स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर की, यानी क्वेश्चन पेपर आपका सेकंड है आज। इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन पेपर फर्स्ट बता दिया गया था, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर टू को लेकर के, जो कि है आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, जिसे हिंदी में हम कहेंगे शिक्षा और अधिगम के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये पेपर टू है आपका, जिसे आप साइकोलॉजी का भी कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ टाइम यानी 3 घंटे का आपका ये पेपर है और जो है मैक्सिमम 80 मार्क्स का है। इसमें 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे, ठीक है, जो कि आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी बिसाइड्स दिस अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। कहने का मतलब प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, इसके अलावा प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न पहला दिया होगा यानी ये पार्ट, ये आपको कंपलसरी है, जिसमें से 8 क्वेश्चन होंगे, जो कि 8 क्वेश्चन 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, टोटल आपके 32 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये कंपलसरी पार्ट कहलाएगा आपका। उसके बाद आपका यूनिट होगा, जिसमें से आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें दिया हुआ राइट 1 ईच ऑफ द फॉलोइंग विद इन 100 वर्ड्स, लिखित में से प्रत्येक पर 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक को 100 शब्दों पर लिखना है जितने भी क्वेश्चन होंगे। पहला इसमें दिया है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, बाल अवस्था की विशेषताएं पूछी, ये पहला आपका 1 क्वेश्चन हो गया, ये कंपलसरी पार्ट का है। दूसरा बी देखेंगे, बी है आपका स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर क्लासरूम टीचिंग, कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, इसको बताना है आपको, क्वेश्चन 2 है आपका। क्वेश्चन सी यानी 3 है इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, टीचर रोल इन इंश्योरिंग पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीखने में सकारात्मक स्थानांतरण को प्राप्त करने में शिक्षक की भूमिका, इसको एक्सप्लेन कीजिए। 4 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 यानी ई है आपका स्पीयरमैन्स 2-फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन का द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत यानी द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका एफ है डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, सृजनात्मकता एवं बुद्धि में अंतर एक्सप्लेन करना है आपको, बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई जी देखेंगे, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट करना है आपको, बताना है व्यक्तित्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 यानी एच ये लास्ट है आपको, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत, ये क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना हो गया। ये कंपलसरी पार्ट था, जो कि 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है और आपके 8 क्वेश्चन है यानी 32 मार्क्स का ही है और आपको अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, आगे देखेंगे यूनिट। यूनिट फर्स्ट दी हुई है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, ये चॉइस वाला पार्ट है, इन दोनों में आप 1 अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है पहला दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। इसमें दिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, एक शिक्षक के लिए बालक के मनोविज्ञान को समझना क्यों आवश्यक है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। पेपर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश में पूरा पेपर दीजिए, आप चाहें तो आप पूरा हिंदी में दीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है, इसमें चॉइस होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, डिस्कसेस इन डिटेल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलेसेंट, व्हाट रोल टीचर कैन प्ले टू हेल्प देम डील विथ देयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉज्ड बाय डेवलपमेंटल चेंजेस। किशोरावस्था की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए, किशोरावस्था में विकासात्मक परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न दबाव व तनाव को दूर करने में शिक्षक की भूमिका क्या होगी, ये आपका 3rd हो गया। इन दोनों को आप चॉइस में कोई भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखेंगे यूनिट 2 आपकी, इसमें का आपका 4th क्वेश्चन है डिस्क्राइब गैनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी कि अधिगम अनुक्रम का वर्णन कीजिए तथा उसके शैक्षिक महत्व का भी वर्णन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन कीपिंग इन माइंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसको हिंदी में देखेंगे क्या है। कहने का मतलब था अधिगम में स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, उनके शैक्षिक महत्व को ध्यान में रखकर व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये यूनिट 2 का था। यूनिट 3 देखेंगे, इसमें 6 क्वेश्चन है आपका यूनिट 3 का, इसमें दिया हुआ है डिफाइन
इंटेलिजेंस डिस्कसेस वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। बुद्धि को परिभाषित कीजिए, मनुष्यों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बुद्धि की विवेचना कीजिए। नंबर 7 है आपका, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ फास्टरिंग क्रिएटिविटी, डिस्कसेस वन इन डिटेल। सृजनात्मकता को पोषित करने के लिए विभिन्न विधियों और तकनीक का वर्णन कीजिए, किसी एक विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये आपके यूनिट थर्ड के आपके दो क्वेश्चन थे, 6 और 7, ये भी चॉइस में है, आप एक करिएगा। उसके बाद देखेंगे यूनिट फोर्थ क्या है। यूनिट फोर्थ में दिया हुआ है 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, हाउ कैन टीचर प्रमोट गुड मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, एक शिक्षक बालक में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या दिया हुआ है। नंबर 9 है आपका, व्हाट आर द वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, एक्सप्लेन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एस की डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। कहने का मतलब है व्यक्तित्व के मुख्य निर्धारण कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व निर्धारण में विद्यालय की भूमिका को ध्यान में रखकर वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी यानी पेपर 2 कंप्लीट हो गया है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं आप सभी को ये बता दूं कि बीएड के जितने भी क्वेश्चन पेपर बताए जाएंगे, बाद में उन सभी को क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कराने के बाद उनका सोल्यूशन दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर लाइन से दिखा दे रही हूँ। ये सभी क्वेश्चन जो यूनिट 1 से 4 तक की हैं आपकी, 1 to 4 यूनिट में एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है, जैसा कि आप देख रहे हैं साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और ये जो आपके शॉर्ट यहाँ है, ये 8 है आपके, ये कंपलसरी पार्ट है, जो कि 2-2 नंबर का था, सॉरी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपको ये कंपलसरी पार्ट करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।